बातें कहां छिप गया है भेड़िया। इन्हीं सवालों के साथ यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम लगातार आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी है। वैसे जानकारी ये कि 2 सितंबर के बाद से अब तक बहराइच में किसी भी हिस्से में भेड़िए का हमला नहीं हुआ, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि 4 भेड़ियों को पकड़े जाने के बाद 2 सितंबर से पहले जो हमले हुए वो हमलावर भेड़िए अभी कहां छिपे हुए हैं। जिन भेड़ियों ने बहराइच की नींद उड़ा दी, जिन भेड़ियों की वजह से दहशत मची है, जिनके खौफ से बहराइच में अफरा तफरी है, 4 भेड़िए तो पकड़ लिए गए, 2 मिल नहीं रहे, आखिर वो दोनों कहां छिप गए। इन्हीं सवालों के साथ वन विभाग की 26 टीमें बहराइच के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही हैं। खोज की जा रही है उन भेड़ियों की जो काल बनकर टूटे थे, रात के अंधेरे में लोगों पर हमले कर रहे थे, बच्चों की जान ले रहे थे। वैसे बहराइच में करीब हफ्ते भर से कोई हमला नहीं हुआ है। आखिरी हमला 2 सितंबर को हुआ था, जिसमें 5 साल की एक बच्ची जख्मी हुई थी। उसी दिन लखनऊ से वन विभाग के बड़े अधिकारी और एक बड़ी टीम बहराइच पहुंची थी। मकसद था गायब भेड़ियों को तलाशना, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। रेंजर्स डटे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी ग्राउंड लेवल पर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आया कि खूंखार भेड़िए कहां निकल गए। तो इस तरह का जो पैटर्न है उनके अटैक का, यदि बीच में अवरोध हो जाता तो शायद जो इस समय उनका हैबिटेट का नुकसान हुआ था या जो कट गया था पूरा बाढ़ वगैरह के कारण, तो उसमें फिर जो है उनकी वापस लौटने की संभावना रहेगी। उस समय ये है जब बाढ़ के दिनों में ये होता है कि पूरा जो क्षेत्र है वो कई इलाकों में बट गया, और हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स उनके उस तरफ रह गए हों, कुछ इधर रहे हों, छोटे बच्चे भी हों, तो इसकी वजह से उनकी प्रवृत्ति होती है अपने एरिया में जाने की। उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो है भटकने से गाँव में आने की भी राय है। बीते कुछ दिनों में बहराइच में हमलों के कुछ मामले सामने आए, लेकिन भेड़ियों की तलाश में जुटे वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वो हमले भेड़ियों के नहीं बल्कि कुत्तों की दूसरी प्रजाति जैसे लोमड़ी के भी हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि भेड़िए अभी भी हमले कर रहे हैं। आज तक की टीम ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की और जानना चाहा कि इस बार आखिर इतने बड़े पैमाने पर भेड़िए के हमले क्यों हो रहे हैं। तो सबसे जरूरी एस्पेक्ट यही है कि जो अभी टेम्पो बना हुआ है इसको और गति दी जाए। दुर्भाग्य से जो सजगता है उसमें जितना हम लोग चाह रहे हैं उस तरीके की सजगता का अभी भी पब्लिक में अभाव है। लोग अभी भी घरों के बाहर सो रहे हैं, मना करने के बाद भी टीमें सुबह में जाके समझा के आ रही हैं, रात में देख रहे हैं फिर से वहीं सोते हुए मिल रहे हैं। अभी भी मैं जो ग्रामीणों से बात कर रहा था तो ग्रामीणों ने ऐसे ही बात करते करते ही ये बात कही कि बच्चों से ज्यादा जो है बकरियों और छगरियों को बचाने में लोग इच्छुक हैं। उनका ये है कि वो उनको तो बंद करके रखते हैं, बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये मनोदशा जो है बहुत पहले जो बलरामपुर के मामले में देखने को मिली थी 2003-04 में, वो आज भी वो कायम है। लापरवाही तो हुई, कई स्तर पर हुई, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है। अब तक 10 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो चुके हैं। उसी लापरवाही पर शिकंजा कसने की जरूरत है ताकि आगे किसी की जान पर ना बने। समर श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। तो भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल लगवाए, पिंजरे लगाए, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आ सके। यूपी के बहराइच में लोगों के दिलों में दहशत का अंत नहीं हो रहा है। क्योंकि वन विभाग की ओर से लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद भी 2 आदमखोर भेड़ियों का सुराग नहीं मिल रहा है। सात जिलों से आई वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है। सबको जगह आते हैं, चले जाते हैं बाहर। हाँ, रखा जाता है औजार सब।
55 दिनों से जारी भेड़ियों के आतंक को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके कई कोशिशों के बाद भी अब तक इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी है। दूर दूर तक फैले खेतों में हर हलचल की नजर रखी जा रही है, भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है, लोग डरे हुए हैं और कई बार खुद भेड़िया देखे जाने का दावा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सामने, वन विभाग के अधिकारी हैं, ग्राउंड पर हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ड्रोन तो चल ही रहे हैं, मैन्युअली और फिजिकली भी कहीं ना कहीं इनके प्रयास जारी हैं कि अगर कहीं गन्ने की खेती में छिपे हैं तो उनको ढूंढ निकाला जाए। डर और खौफ का आलम ऐसा है कि कई बार भेड़ियों के शक में लोग वन विभाग के अधिकारियों तक पहुँच रहे हैं। जाँच में जब इस इलाके में भेड़िया न होने की बात सामने आती है तो अधिकारियों से बहस करने लगते हैं। दो आदमखोर भेड़िये ना तो वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं और ना ही उनका कोई सुराग मिल रहा है। ऐसे में डर के साए में जीने को मजबूर गांव वालों का गुस्सा भी बढ़ रहा है।